यह घटना 1999 के आसपास की है। दिल्ली में रहने वाले हमारे एक दूर के रिश्तेदार पहली बार हमारे गांव जगनपुरा में अपने एक नजदीकी रिश्तेदार के घर पर आए, पर वहां उनका मन नहीं लगता था। रिश्तेदार अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते और उनकी पत्नी अपने छोटे छोटे बच्चों में। वे वहां किससे और कितनी देर बातें करते, उनके यहां जाने में जानबूझकर देर करते थे और हमारे यहां बैठकर बातें करते रहते थे। बड़े गप्पी थे वो। अक्सर वे हमारे घर पहुंच जाते थे और घंटे दो घंटे गपशप करने के बाद खाना खाकर ही लौटते थे। एक दिन शाम को पहुंचे तो इधर उधर की बात होते होते भूत प्रेत पर जाकर रुक गई। भूत प्रेत का नाम सुनते ही उन्होंने अपनी शौर्य गाथाएं सुनानी शुरू की। फलाने जगह में भूत के भय से जाने से लोग डरते हैं, मैं वहां रात भर रहा, फलाने जगह पर ये किया वो किया, और हम सभी उनके हिम्मत के आगे नतमस्तक थे। मेरी मम्मी ने एक दो बार रात के समय इस तरह की बातें न करने की याद भी दिलाई, पर वो नहीं माने। नहीं चाची जी, भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है, वैसे ही मन का वहम है ये, और न जाने कहां कहां के ऐसे वैसे किस्से सुनाते ही रहे। उस दिन खाते पीते कुछ अधिक ही देर हो गई थी, रात के 11 बज गए थे। गांव में काफी सन्नाटा हो जाता है। उस घर के छत से आवाज दे देकर बच्चे बार बार बुला रहे थे। सामने के रास्ते से जाने से कई मोड़ पड़ने से उनका घर हमारे घर से कुछ दूर पड़ जाता था, पर खेत से होकर एक शॉर्टकट रास्ता था, हम लोग अक्सर उसी रास्ते से जाते आते थे। उन्होंने भी उस दिन उसी रास्ते से जाने का निश्चय किया। पीछे के दरवाजे से उन्हें भेजकर हम लोग दरवाजा बंद करके अंदर अपने अपने कामों में लग गए। अचानक मेरी छोटी बहन के दिमाग में क्या आया, छत पर जाकर देखने लगी कि वे उनके घर पहुंचे या नहीं। अंधेरा काफी था, मेरी बहन को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह छत से लौटने वाली ही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई दौड़कर हमारे बगान में आया और सामने नीम के पेड़ के नीचे छुप गया। मेरी बहन ने पूछा, कौन है? उनकी आवाज आई, मैं हूं, आप चाचा जी के यहां गए नहीं? खेत में कुएं के पास कोई बैठा हुआ है। गांव में रात के अंधेरे में चोरों का ही आतंक रहता है। उनकी इस बात को सुनकर हम लोगों को चोर के होने का ही अंदेशा हुआ। जल्दी जल्दी पिछवाड़े का दरवाजा खोला गया। पूछने पर उन्होंने हमारे अंदेशे को गलत बताते हुए कहा कि वह आदमी नहीं, भूत प्रेत जैसा कुछ है, क्योंकि कुएं के पास उसकी दो लाल लाल आंखें चमक रही हैं। तब जाकर हम लोगों को ध्यान आया कि कुएं के पास खेत में पानी पटाने वाला डीजल पंप रखा है और उसमें ही दो लाल बत्तियां जलती हैं। जब उन्हें यह बात बताया गया तो उन्होंने एकदम से झेंप कर कहा, ओह हम तो उससे डर खा गए, बेचारे कर भी क्या सकते थे। इस डर खाने की कहानी ने तुरंत बखानी गई, उनकी निडरता की कहानियों के पोल को खोल दिया था। फिर थोड़ी ही देर बाद वे चले गए और हमारे घर के माहौल की तो पूछिए मत। हम लोगों को तो बस हंसने का एक बहाना मिल गया था। वैसे कुछ कुएं सच में शापित होते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब।